अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे स्वीट पॉपकॉर्न। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसको बनाने में तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यह हम लेंगे आधा बाउल कॉर्न, जिसको उर्दू में मकई के दाने कहते हैं, और एक बाउल गुड़ का पाउडर लेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले 1 टेबल स्पून बटर लेंगे। बटर की जगह आप लोग कुकिंग ऑयल या देसी घी भी ले सकते हैं। अब इसमें कॉर्न डालेंगे। कॉर्न को बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। जब इसमें थोड़े से दाने पॉप होने लगे तो फिर ढक्कन रख के बहुत ही लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे और तकरीबन 1 मिनट में ही सारे कॉर्न अच्छे से पॉप हो जाएंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं कि थोड़े से कॉर्न से पूरा पतीला हमारा भर गया है। कॉर्न हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के इसको ऐसे भी खाया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ स्वीट पॉपकॉर्न बना रहे हैं, इसलिए पहले हम इसके लिए शीरा तैयार करेंगे। पहले गुड़ का पाउडर डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। साथ में थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को गुड़ नहीं पसंद तो आप चीनी का भी शीरा बना सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि शीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें पॉपकॉर्न ऐड करेंगे। यहाँ मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। पॉपकॉर्न को बस शीरे में अच्छे से मिक्स करना है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि स्वीट पॉपकॉर्न हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बाज़ार में ये बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए साफ़ सुथरी और घर पे अपने हाथों से बनाएं और खूब इंजॉय करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।